जिला केंद्र को, तो वो भी प्रसन्नता के साथ इतना तो जरूर करेंगे, और हम आकाश से उन्होंने तो वर्षा करवा ही दी है, 3 दिन से करवा रहे हैं, ये उनकी कृपा है कि हम उनका ही आशीर्वाद समझेंगे कि उन्होंने ये सब कैसा कार्य किया है। मैं आप सभी को आज की इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के ऊपर फिर एक बार गुरु दीक्षा देता हूँ, और इस कार्यक्रम में आपकी जितनी भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग बैठकर शांत चित्त से एक बार गुरु दीक्षा फिर ले लो। निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, और मैं जो मंत्र बोलता हूँ मेरे साथ बोलो, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 5 मिनट आप शांत चित्त से गुरु मंत्र जप करेंगे, 5 मिनट प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी आज के दिन हमारी मनोरथ कामना मनोकामना पूर्ण करो, और मैं उसका मंत्र आपको बोल रहा हूँ। बोलो ओम श्रीम ह्रीम मानस सिद्धि करी श्रीम ह्रीम ओम नमः। ओम श्रीम ह्रीम मानस सिद्धि करी श्रीम ह्रीम ओम नमः। ओम श्रीम ह्रीम मानस सिद्धि करी श्रीम ह्रीम ओम नमः। आप इस मंत्र को केवल 5 बार मन में दिलो, और आपकी कोई भी इच्छा है बोल लो। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जो भी अभी आप बोल रहे हैं। ऐसा मत बोलो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊँ, ऐसा बोलो कि जो काम आप कर सकें हो सकें, ऐसे बात करो, ऐसी मनोकामना बोल लो। पूजन करना चाहते हैं सुबह 7 बजे जाऊंगा, उनको पादुका पूजन का चांस दूंगा जो भूम से साधक आए हैं। रात में जाने की बात मत करो, बहुत वर्षा है और सारे रोड जिधर उधर बंद हो गए हैं। तो मैं तुम्हें इतना ही सजेशन देता हूं कि आप सब लोग सुबह उठकर ही चले जाइए, वो ठीक है। रात में जाने से मुझे आपके पीछे आना पड़ता है, फिर यहाँ भी देखना वहाँ भी देखना, जहाँ भी आप जब भी जाते रहते हैं तो मुझे आपके पीछे चलना पड़ता है। और मैं बार बार कभी जा रहे हैं तो एक बात जरूर कहता हूँ आपको, पहुँचते ही मुझे कॉल करो। इसलिए कहता हूँ कि मैं पहुँचा हुआ देखता हूँ कि वहाँ पहुँच गए हैं, ये लोग मुझे याद करते हैं या नहीं करते। पहुँच जाने के बाद घर जा रहा घर देखने के बाद मुझे भूल जाते हैं, इसलिए कहता हूँ। घर होने के बाद भी जो मुझे फोन करता है तो समझ जाता हूँ कि मुझे भी याद कर रहे हैं। मैं कल सुबह 7 बजे जो लोग गुरुपाद का पूजन आज नहीं किए हैं उन सभी को कल सुबह 7 बजे चांस देता हूं, और वर्षा होने के नाते मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप कोई भी रात में जाएं, अच्छी तरह आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, खाना खाएं और सो जाएं, और कल सुबह 7 बजे यहां सब लोग आएं। क्यों ये बात भी क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ। मैं इन 3 दिनों से वर्षा के कारण और ये सभी कारण आपकी सुविधाओं के कारण रात भर मैं भी ये सोचता रहा था कि कोई अच्छा सोया है नहीं, खाया है नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट है कि हमारे को अच्छा खाना नहीं मिला। मैं प्रयत्न करता हूँ कि अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है ना, मैंने ठीक बोला है ना, अच्छा खाना नहीं मिला। अच्छा
अच्छा ऐसी बात है तो ये बात बोलो कि हम कीचड़ में नहीं चले। हम तो उस गुरुचरण की धूली में चले हैं जो जहाँ का वास होता है। मैंने सुबह आपको बताया जब वृंदावन पहली बार चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां लौट रहे थे जमीन में पीली मिट्टी में वृंदावन की मिट्टी में सब लोग देखकर इतने बड़े महान विद्वान वहां क्यों लौट रहे तो उन्होंने कहा ये तो गोपी मिट्टी है यहाँ तो रास हुआ था कृष्ण का और उनका इस मिट्टी को पाने के लिए तो सारे लोग आते हैं तो आप कीचड़ में चले हैं तो वो कीचड़ ही आपका तिलक है जहाँ गुरु जी अपना वास करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं या रथ यात्रा करते हैं वो तो लिए आपका तीर्थ स्थल है। नंबर दो गया आप बोलो आप तीन रथों से सोए नहीं सोए नहीं अब चौथा प्रश्न है हम सारी साधनाएं पूर्ण किए हैं बोलो किए हैं तो किए हैं तो सभी को फिर आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कल सुबह आज तक जितनी भी साधनाएं आपने की है सुबह आते ही शक्तिपाद दीक्षा दूंगा आप सब लोग खाना खा के अभी सो जाइए। कल सुबह दावत वासर की तरफ से है उस्मानाबाद की तरफ से आप इस बात को याद रखें कि आपको करना है आप कल सुबह दावत लेके जाएंगे। आशीर्वाद देता हूँ बोलो प्रभु जी सदगुरु भगवान की खाना खाओ और अब अपने अपनी जगह जाओ। मैं सुबह 7 बजे आपको यहाँ दर्शन दूंगा। जिनको गुरुपाद पूजन या कुछ भी मिलना है आपकी शंका समाधान करना है सभी लोग सुबह मेरे पास आ जाओ। गोविंद और वाक्सर जाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा दत्तू का कहना है मैं जाने नहीं दूंगा कल सुबह ही जाना है और खाना गोविंद को और वासर को बनाना है बोल रहे हैं तो आप सब लोग जिस आनंद के साथ आज ये उत्सव गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाए हैं मैं समझता हूँ जहाँ भी गुरु जी हो सिद्धाश्रम हो या शुक्र ग्रह पर भी हो कहीं भी हो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद आज हम सब पर है और आने वाला कल बताएगा कि निखिल चेतना केंद्र में आए हुए एक एक शिष्य 10-10 दीपक को जलाएंगे 10-10 मेरी तो बहुत इच्छा है मैं बहुत बहुत दिनों से ये बात आपसे कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी निखिलेश्वरान जी की यह चेतना सारी जगह जागृत हो सारी जगह चैतन्यवान हो इसके लिए हमें क्या करना है। चार माला आप आपके लिए करते हैं तो एक माला समाज के लिए किया करो एक माला आपकी सारे संसार में ऊर्जा का काम करेंगे। मैं क्या गुरु जी ने निखिल सेना नहीं बनाई है निखिल साधक बनाए और ये साधक किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हो किसी भी तरह शत्रु को लड़ने के लिए तैयार हो आपके भाई गुरु भाई को किसी कोई तकलीफ हो तो आप आगे चलकर आए। हमारे पास ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि हम ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति भी रखते हैं लेकिन आप सक्षम आप में सामर्थ्य हो ऐसी एक भी साधना नहीं है समाज की कोई समस्या आप उन साधनाओं के माध्यम से न सिद्धि कर सके लेकिन साधना करने वाला हो साधना करने वाला हो। आप छोटे बचपन से पैदा हुए गर्भ से लेकर गुरु ने तो गर्भ चैतन्य दीक्षा दी है गर्भ से लड़का पैदा हुआ और वो जाने के बाद उसके आत्मा को मुक्ति देने के बाद तक गुरु ने साधनाएं संपन्न की है। शत्रुओं की तो बाकी क्या हो 2 मिनट में शत्रुओं के बारे में बगलामुखी जैसी चिन्हवस्था साधनाएं आपको है लेकिन कभी ये बात याद रखो आप अपने ही लोगों पर इसका प्रयोग मत किया करो जो शत्रु की है। आपको प्रयोग करना है तो हमारे उस सनातन धर्म को नष्ट करने वालों के लिए उन लोगों के लिए जो हमारे मंदिर तोड़ते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे मंदिर तोड़ते हैं हमारी भावनाओं को तोड़ते हैं उन लोगों के लिए आपको साधना करनी है। मैं एक बात कहता हूँ सिर्फ आपकी चार माला आपके और एक माला समाज और आपके सनातन धर्म के लिए आपके हिंदू धर्म के लिए और ये संकल्प करते हुए कि हम साधक निखिल साधक कल के दिन ये बताएंगे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई 10 किलोमीटर तक कोई किसी प्रकार की अड़चन या हिंदू धर्म पर आघात नहीं करेगा करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। ये बात ये निखिल साधक है और ये साधक जब जागृत होगा तो उसकी मशाल जलेगी और उसकी मशाल जलेगी तो सूर्य की भांति जलेगी कोई भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं करेगा। इस बात को लेकर चलो
कभी प्रयोग अपने 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 लोगों पर करना भूल जाओ, क्योंकि निखिल सारक निखिल स्वामी जी सभी को देखते हैं, गलती करते हैं तो शिक्षा जरूर मिलेगी, इतनी भी बात याद रखो, अगर गलती करते हैं तो शिक्षा जरूर मिलेगी, और गलती नहीं करते हैं तो आपके आपको सहायता के लिए गुरु ने बहुत सारे गुरुओं को या शिष्यों को निर्माण किया है, और केवल आपका मंत्र भी आपकी रक्षा करता है। इस बात के लिए निखिल साधक बनो, निखिल साधक बनो और समाज के लिए भी उतने ही उपलब्ध हो और आपके परिवार के लिए भी। मैं अभी गुरु पूर्णिमा तक देखता हूँ कि आप सब लोग कितने सक्षमवान होकर आज अपने सभी लोग बहुत जो मैंने समझा था कि कोई साधना ही नहीं करेंगे गुरु कार्य के लिए या गुरु के लिए, लेकिन देखा कि उस कार्य के लिए चारा किए हैं, तो इसका मतलब है निखिल चेतना केंद्र का हर एक साधक चाहता है कि गुरु कार्य उसके हाथ से हो। और ये कार्य जरूर होना चाहिए। हम निखिल चेतना केंद्र की शाखाओं से नहीं, हम उस तत्व से जुड़ेंगे, परम तत्व से जुड़ेंगे जो प्रभुपुंज सद्गुरुदेव जी ने कहा है। उस तत्व से जुड़ने के बाद हमारे सामने कोई असनातनी या अहिंदू वाला कोई हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं उन सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ जो लोगों ने आज, हम दो साल से तो बहुत सारे शिविर खो दिए हैं, नहीं किए हैं, जितना भी हुए हमारे लोगों से मिलकर जुलकर चलते हैं। यह गुरु पूर्णिमा शिविर आज जो हमने किया है, शायद हम 1.5 साल के बाद हम एकजुट होकर इतने लोग मिले हैं, और मिलना ही चाहिए। अब आगे के शिविरों के बारे में थर्ड वे फोर्थ वे क्या कर रहे ये तो पता नहीं, हमने तो कौन से भी वेव में हमारी वेव चलाई है, हमने कभी वेव को रोका, हमारी किसी लहर को हमने रोका नहीं है, न मास्क पहने हैं, न मास्क किसको पहना है, फिर भी हम रक्षित है, हमारे पास सुरक्षा है, सुरक्षा चक्र है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, निखिल चक्र हमारे पास घूम रहा। हम आप सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ। एक शिविर का बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा हर जन्मदिवस गुजरात में ही होता है, तो आज गुजरात के सारे ज्ञान निमेश पटेल और गोपी और उनकी बहन तुलसी, ये सब सारे लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि गुरु जी एक बार अनाउंस कर दो ना। तो मैंने जैसा आपको कहा, विरूपाक्ष स्वामी विजयनगर साम्राज्य का जो भुवनेश्वरी देवी जी तंत्र क्षेत्र से उसे गोंदल नाम के क्षेत्र को बुलाया था, वहाँ भुवनेश्वरी का वो सिद्धपीठ है जो हमारे विजयनगर साम्राज्य विरूपाक्ष में था, और हमने निर्णय किया है कि इस बार गुरु जन्म दिवस यानी मेरा जन्म दिवस गुजरात में जो हर साल होता है 10 सालों से हो रहा है, वो अगला गुरु जन्म दिवस गोंदल नाम के भुवनेश्वरी नाम के तीर्थ क्षेत्र में बनेगा, ऐसा उनका कहना है। मैं चाहता हूँ कि निमेश पटेल और उनका फैमिली पार्टनर यहाँ आ जाए और वो लोग भी अपनी ओर से आह्वानित करें, बात करें। इसके साथ साथ आज हम आने वाले कल में, मेरी बहुत इच्छा है कि इस बार सिक्किम जाके आए थे तो लगा कि हम ऐसे महान क्षेत्र को गए हैं जहाँ साधु संत यक्ष गंधर्व आदि विचरते हैं, फिर भी उस जमाने में भी कोविड था, कोविड रहने के कारण हम जितना जाना था उतना नहीं जा सके, लेकिन दत्त भैया का भी कहना है, माता जी का कहना है, मेन सबसे ज्यादा मेरे दामाद और मेरे स्वप्नाली का कहना है कि गुरु जी एक बार मानस सरोवर यात्रा करें। तो सब ठीक चलेगा तो अगस्त या सितंबर में मैं मानस सरोवर कब जाना है इसका अनाउंसमेंट दूंगा। हम सब लोग साधक एक बार गुरु जी से मिलने फिर जाएंगे। उस समय जब गए थे तो हमने पत्थर का स्वामी निखिलेश्वर जी का मंदिर बांधा था, इस बार सब लोग एक एक ईंट लेकर जाएंगे और एक भव्य मंदिर बांध कर आएंगे स्वामी निखिलेश्वर जी का मानस सरोवर। आप सभी से आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा कार्य हमारे हाथों से हो और आगे हम इस मानस सरोवर की यात्रा का निर्णय और अभी दत्त भैया का कहना है कि 21 अप्रैल जो गुरुजी का जन्मदिवस है उसको मुक्ति धाम में मनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। हो सके तो हम हिमालय की वो यात्रा इसलिए करेंगे जी कि हम, मैं जीव काटे जी और दिवाली जी, हम सब लोग थक गए हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ, वो कितना भी कर लो मैं अभी भी जवान, हम सब लोग मुक्ति धाम जाएंगे, वहाँ गुरु जन्मदिवस मनाएंगे, क्योंकि सिक्किम में मनाया था तो अभी चटक लग गई कि वहाँ साधु संत आते हैं, वहाँ तांत्रिक क्षेत्र में वो श्रेष्ठ क्षेत्र कहलाया जाता है। तो मुक्तिधाम हिमालय है, ऊपर अपने को घोड़े पर या जाने के लिए है, जिसमें सक्षमता है वो आएगा जरूर, जो गुरु जी से प्रेम रखता है वो आएगा जरूर। मुक्तिधाम में कहते हैं कि गुरु जी नरनारायण पर्वत के पास एक
कंचन शिला और कानन शिला, ये दो शिलाओं पर उन्होंने अप्सरा को बुलाकर नचाया था, ऐसी साधना स्थली गुरु जी की है। हम अगर हो सके तो मुक्ति धाम जरूर जाएंगे। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आज रात में आप यहाँ मुकाम करें और कल सुबह एक बार 7 बजे मुझे मिलकर नमस्कार करते हुए, आपको तो मैं समझता हूँ आसामी मनोकामना पूर्ण किया हूँ, केवल नमस्कार करके जाने वाले हैं फिर भी आप बाज नहीं आते, जरूर गुरु जी को पूछेंगे, मैं कल समय उसके लिए देता हूँ। आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब ऐसा कार्य करें, एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य शंकरदेव भगवान की। ये निमेश पटेल है जो गोंदल में जन्मदिवस का कार्यक्रम करना चाहते हैं, मैं उन्हें माइक दे रहा हूँ, आपको आह्वान करते हैं कि आप आ जाए। परम पूज्य गुरु जी और माता जी एवं सभी साधक मित्रों और आश्रम वासियों, आज सबके मतलब हमारे आनंद की आज कोई सीमा नहीं है, यही आनंद उल्लास और उमंग हम सबके चेहरे पे इतना दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग वापस फिर से यही गुरु पूर्णिमा शिविर में निखिल चेतना केंद्र परिवार के साथ वापस मिले हैं। आज मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा के शिविर में कौन आए थे, कोई हाथ ऊंचा करके बताएगा? ओ मतलब हम गिन सकते हैं कि बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से सब लोग पहुंच नहीं पाए थे। तो मतलब मैं गुरुदेव को कहना चाहती हूँ कि वी रियली एंड डियरली मिस द लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा शिविर, मतलब जो हर साल गुरु पूर्णिमा में आते हैं और एक बार छूट गया तो क्या सबका कहना क्या है, सही में मिस किया है क्या? जिसने मिस किया है वो हाथ ऊंचा कीजिए, और जिसने बहुत मिस किया है वो दोनों हाथ ऊंचा कीजिए, और जिसको और दुगुना मिस किया है वो बाजू वाले का भी हाथ ऊंचा कीजिए और उसका पैर भी ऊंचा कीजिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शिविर एक ऊर्जा है हमारे में, एक एनर्जी पैदा करती है, हमारे लिए एक चार्जिंग स्टेशन है। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आ रहे हैं तो मतलब हमें मालूम है कि चार्जिंग स्टेशन एक नेसेसिटी बन गया है, तो ऐसी शिविरें ही हमारे लिए वो चार्जिंग स्टेशन होती है कि नहीं? और शिविर में हम क्या लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ नई साधनाएं, वी नीड साधना, मतलब सही है ना कि वी नीड साधना। तो आप सब मेरे साथ एक बार बोलोगे आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु जी को भी बताए कि ये साधना हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन में क्या है। तो मैं जो भी एक सेंटेंस बोलूं इसके पीछे आप सब लोगों को दोहराना है, वी नीड साधनाए, बराबर है? जीवन के दरेक चैलेंजेस में वी नीड साधनाए, जीवन के दरेक चैलेंजेस में वी नीड साधनाए, संबंध के खारास में वी नीड साधनाए, संबंध के खारास में वी नीड साधनाए, फर्नीचर और फैसिलिटी में वी नीड साधनाए, फर्नीचर और फैसिलिटी में वी नीड साधनाए, मोटिवेशन का रिचार्ज करने वी नीड साधनाए, मोटिवेशन का रिचार्ज करने वी नीड साधनाए। अभी थोड़ा कोविड का सिचुएशन चल रहा था तो थोड़ा कुछ लाइन याद आ रहा है, लॉकडाउन के हर एक महीने में वी नीड साधनाए, लॉकडाउन के हर एक महीने में वी नीड साधनाए, शुद्धि को सैनिटाइज करने वी नीड साधनाए, इम्यूनिटी का इंजेक्शन लेने वी नीड साधनाए, फिर कुछ और भी बोल सकते हैं, रैपिड टेस्ट जो, तो हमारे जीवन का ही रैपिड टेस्ट क्यों ना करवाले, जीवन के रैपिड टेस्ट के लिए वी नीड साधनाए। और बहुत खतरनाक तो था कोरोना वायरस, तो कुछ विकृति भी हमारे में रहती है, तो विकृति का वायरस दूर करने के लिए वी नीड साधनाए, क्योंकि कल भी गुरु जी ने बोला था कि हम हमारे लिए ना सोच के समाज और देश के भी लिए खड़े, जो हमारे अंदर का ही विकृति एक एक करके निकल जाएगा तो डेफिनेटली हम कुछ आगे कर सकते हैं, बराबर है? फिर से एक बार गुरु जी के लिए, वी नीड साधनाए, वी नीड साधनाए, वी नीड साधनाए, वी लव साधनाए, वी लव साधनाए, वी लव साधनाए।
हम पिछले 1.5 साल में बहुत ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं कि हम नहीं जानते थे कि हम इसके सामने किस तरह से टिक पाए, लेकिन जो हम आपके साथ रह के साधनाएं करते और आपका जो आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए ही हम ये सब परिस्थिति के सामने टिक सके हैं। तो ऑल थैंक्स टू गुरुदेव, थैंक्स टू गुरुदेव, थैंक्स टू गुरुदेव। ऐसे ही हम शिविर के माध्यम से एक चार्जिंग करते रहे। तो जो गुरु जन्म दिवस का शिविर हर साल हम गुजरात में मना रहे हैं, तो इस बार का भी शिविर जो गोंडल में है और राजकोट डिस्ट्रिक्ट, राजकोट उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद से भी आप आ सकते हो, हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। तो आप सबको हमारी तरफ से और निखिल चंद्रा परिवार केंद्र की तरफ से सबको हमारा दिल से एक आमंत्रण है कि आप सब लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही मजा करेंगे। जो लास्ट ईयर का शिविर तो कुछ छोटा सा, उसके पहले हम जूनागढ़ भी मिले थे, तो आप जरूर से जरूर इतना तो हम कह पाते हैं कि जो भीड़ इधर देख रहे हो कभी गुजरात में नहीं देखी। तो हम सब लोगों का एक वो है कि जितना भीड़ गुरु पूर्णिमा दिखे उतना भीड़ गुजरात में दिखना चाहिए। तो सब लोगों को हमारी तरफ से आमंत्रण है कि आप सब आइएगा। ओके, थैंक यू। गुजरात में भीड़ दिखने के लिए वी नीड सनराइज। सभी को अपना आशीर्वाद देता हूँ। निमेश पटेल, गोपी भी ने जो बात कही है वो ठीक है। अभी वी नीड साधना है गुरु जी से और आपसे। अब गुरु तो 1.5 साल से कर रहा है साधना है कि आपको कुछ ना हो, अब वी नीड आई नीड साधना है फ्रॉम यू। किस लिए कि समाज में कुछ हम हलचल मचा दे, कुछ ऐसा कार्य करे कि स्वामी निखिलेश्वर जी का नाम हो और हम कहें उनकी रक्षा, उनकी शिक्षा, उनकी जो कहानी है, उनकी जो साधना है, उनको समाज के हर एक क्षण तक पहुंचाए। हम पहले से कर्म को मानते थे, उस कर्म की वह धरती यहाँ आए और उस कर्म को मानते हुए हम साधनात्मक जीवन इसलिए जीना चाहिए कि साधना करने वाला और साधना करने वाला व्यक्तित्व कभी बुराई किसी की नहीं करता और उसका बुरा नहीं होता जो गुरु मंत्र जप करता है। किसी की मजाल नहीं कि उसके ऊपर हाथ उठाने पर लगा है। आप सब लोगों को पुनः आशीर्वाद देता हूँ और कल सुबह आपको मिलने का वादा करता हूँ। कल सुबह आपकी जो भी समस्या है सुनूंगा, दिन भर सुनता रहूंगा। और आप ये करते हैं, आप अभी खाना खा लें और आपका काम पूर्ण कर लें। जो मालाएं बची हैं वो यही पूर्ण कर लेकर आप जाएं। आप जब तक कहेंगे, जब तक हम जाते हैं गुरु जी बोले तक, तो वो आपको यही बैठा मिला। कल आज आप सब लोग साधना पूर्ण कर लें और साधना पूर्ण करने के बाद भोजन कर लें और आप विश्राम करें। मैं कल सुबह आपको 7 बजे यहाँ मिलूंगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, सर्व सिद्धाश्रम की, सर्व सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हरे हरे महादेव। सभी को विदाई का कार्यक्रम कल सुबह मनाऊंगा। आप सभी को विश्राम के लिए कहता हूँ। वहां सब कुछ बोलना चाहते हैं, उनको पकाना नहीं आता, बोलने के लिए आ रहे हैं। पकाए तो ये लोग खाएंगे, नहीं तो नहीं।